हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के मॉडल पेपर नंबर एक के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपका सीटेट प्राइमरी लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है 21 जनवरी को, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जो है कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर एक या दो दिन छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह है, तो वो है जड़। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंड की उपस्थिति की इस उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नीला और काला। जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये है उत्तराखंड में और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन विभिन्न स्थानों जहाँ की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है के मकानों के विवरणों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख लें और बताएं राइट आंसर क्या होगा। तीनों ऑप्शन को आप लोग अच्छे से पढ़ लें, बाकी इंग्लिश वाले लोग भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और सी जो है वो सही है। लेह लद्दाख में मकान पत्थर के दो मंजिलों के बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है। फर्श लकड़ी के और छत सपाट होती हैं। तो ये राइट है और ऑप्शन सी राइट है। राजस्थान में गाँव के लोग मिट्टी के बने मकानों जिनकी छत कंटीली झाड़ियों की बनी होती है इनमें जो है रहते हैं। तो ए और सी राइट है। तो कौन से ऑप्शन में है ए और सी? तो ये है ऑप्शन डी में। 65 नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। और आपको बताना है जो कौन जो है अन्य से भिन्न है। घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, कछुआ, कौन अन्य से भिन्न है? तो इसमें कौवा जो है वो भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 66 है, दोनों लैंग्वेज में है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आपको बताना है इनमें से जो है कौन सा सत्य है। चार ऑप्शन है। तो इसमें जो ऑप्शन सी दिया है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियां खा लेता है, ये राइट है। और फिर ऑप्शन डी, किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती हैं। तो ऑप्शन सी और डी राइट है, बाकी ए और बी जो है वो गलत दिया हुआ है। इसमें ऑप्शन सी, सी और डी जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि है? तो आसान प्रश्न है, अक्टूबर से दिसंबर। अड़सठ नंबर का प्रश्न है, बेरी बेरी नामक रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये भी इजी प्रश्न है, तो ये होती है विटामिन बी1 की कमी से। पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है तने से।
निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? कौन जड़ नहीं है? जड़ नहीं यानी कि वो तना होगा, तो इसमें ऑप्शन डी राइट है। आलू जो है तना होता है, ये जड़ नहीं है। 71 नंबर का प्रश्न है, रीता अपनी नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है, इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को कहते हैं? तो चार ऑप्शन दिए हैं, आप लोग पढ़िए राइट आंसर क्या होगा। तो आसान प्रश्न है, ये संयुक्त परिवार है जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैने चपटे और चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है, ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये जो है मांस खाते हैं। 72 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें कहते हैं हेलोफाइट्स। जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है उस चित्रकला का चित्रकाठी कहते हैं, ये चित्रकला कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है महाराष्ट्र से। उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं, तो ये हैं गद्दी जनजाति। 75 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। 76 नंबर का प्रश्न है, मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है, इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा इसके उपयोग को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो यहाँ पे चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ लें, बाकी क्वेश्चन एक बार और पढ़ लें आप लोग। तो इनमें कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसमें जो दिया है, शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्र करने को कहते हैं। तो 76 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है, प्रस्तुत वाक्यों में कौन सी मानचित्र के बारे में सही है? यहाँ पे दिए गए हैं ए बी सी और डी, तो इनमें कौन सा जो है वो सही है? तो इसमें जो दिया है, वस्तुओं, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ये राइट है। और फिर जो है ऑप्शन डी में दिया है, मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव ऊपर की होशिये पर होता है, तो ये राइट है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बी और डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसके किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है? तो ये है समाचार पत्र की रिपोर्ट्स, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 79 नंबर का प्रश्न है, विद्यार्थियों के ईवीएस सीखने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विद्यार्थियों के ईवीएस सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चार ऑप्शन है, आप लोग पढ़ लें। तो इसमें जो ऑप्शन डी दिया गया है, विद्यार्थियों के सीखने का तरीका सर्पिल या फिर पेंचदार होता है, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, वह परिस्थितियों में सीखने व प्रतिक्रिया जो है अपने ढंग से देता है।
80 नंबर का प्रश्न पूछा है, विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो का सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है? तो पोर्टफोलियो के बारे में जो है, कौन सा जो है इसमें चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक निश्चित समय में विद्यार्थियों के कार्यों का एकत्र करना, कार्यों को एकत्र करना और अधिकतर दिन प्रतिदिन कार्य का विद्यार्थियों को सर्वोत्तम कार्य चुन लेना, ये जो है राइट आंसर है 81। आप बहरेपन और गूंगेपन की अक्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करें, इस बारे में एक अध्याय पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा पूछता है, हम सब बोल सकते हैं तो हम इसे EVS में क्यों पढ़ रहे हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर EVS में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेंगे अच्छे से। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी, हम सभी की अलग अलग क्षमताएं और बाधाएं होती हैं। कुछ लोगों के पास चुनौती होती है जहां वह सुने या बोल नहीं सकते, हमें यह समझने की ज़रूरत है कि उनके साथ कैसे संवाद किया जाए और समावेशी कैसे बने। बयासी नंबर का प्रश्न है, उजैरा और शाहमीर ग्लोब पर विश्व के विभिन्न बिंदुओं को देख रहे हैं। शाहमीर देखिए, ये है अमेरिका, अफ्रीका, अरे अंतरिक्ष कहाँ है? उजैरा आकाश, तारे, सूर्य और चंद्रमा, ये सब अंतरिक्ष में हैं। शाहमीर, हाँ मुझे पता है, सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यान में गई थी, मैंने टीवी पर देखा कि वह वहाँ से धरती को देख सकती हैं। उजैरा, जी हाँ, वहाँ से धरती इस ग्लोब जैसी नजर आई। तो आपको बताना है उपर्युक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्रों को अंतरिक्ष की अवधारणा से परिचित कराने के लिए किया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शाहमीर के प्रश्न को हल करने में मदद करेगा? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारों के कटआउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहां रखेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्य है? तो चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ लें। तो इसमें राइट आंसर है, छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिन्हें बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों का सामना करना पड़ता है, मानव बस्तियों को सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में 15 चार्ट पेपर लाए हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सके। आपने छात्रों से कहा कि चार्ट पेपर समाप्त होने के बाद उन्हें नए चार्ट पेपर नहीं दिए जाएंगे, इसलिए उन्हें चार्ट पेपर का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में सबसे कम मदद करेगी जिनकी मात्रा सीमित है? तो इसमें जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन ए, उन परियोजनाओं पर चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है और वे अभी भी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं। पचासी नंबर का प्रश्न है,
प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, तो चार ऑप्शन है, राइट आंसर क्या है? तो इसमें है जो ऑप्शन बी में है, आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच संबंध को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है? तो सर्वाधिक प्रासंगिक है छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया है। 87 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊपर दिया है आपका, सबसे पहले अधिगम उद्देश्य दिया है, छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इस अध्ययन के उद्देश्यों का सर्वोत्तम परीक्षण करता है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए क्यों नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 88 नंबर का प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आभासी वास्तविकता। नवासी नंबर का प्रश्न है, शिक्षक खाद परिरक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद सामग्री इस अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आसान प्रश्न है, ये है ऑप्शन डी, कच्चा आम। सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की अन्योन्याश्रयता का खा रही है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए बार्बर, एक नाई। तो यहाँ पे जो है ईवीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है समाप्त होते हैं, बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद।